बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है ओपन चैनल फ्लो मोस्ट एफिशिएंट क्रॉस सेक्शन। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने ओपन चैनल फ्लो को डिस्कस किया था, उनकी टाइप्स को, और देन हमने यूनिफॉर्म फ्लो को डिस्कस किया इन ओपन चैनल। तो इसको हमें किस तरीके से एनालाइज करना है, देन डिफरेंट फ्लो रेजिस्टेंस इक्वेशंस स्टडी की, जिसमें इंपॉर्टेंट थी चेजी इक्वेशन एंड मैनिंग्स इक्वेशन। उसमें रफनेस कोफिशिएंट्स को डिस्कस किया, इक्विवेलेंट रफनेस, कंपाउंड चैनल्स, कंपोजिट सेक्शंस, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करना है मोस्ट एफिशिएंट क्रॉस सेक्शन, यानी कौन सा शेप लें हम चैनल की जो हमें मैक्सिमम डिस्चार्ज दे। क्या वो रेक्टेंगुलर होना चाहिए, वो ट्राइंगुलर हो, ट्रेपिजॉइडल हो, सर्कुलर हो, सेमी सर्कुलर हो, या कोई भी शेप हो तो वो मैक्सिमम डिस्चार्ज दे सकेगी। और अगर शेप को हम फिक्स कर रहे हैं तो उसमें डेप्थ और विड्थ का आपस में क्या रिलेशन हो, हाइड्रोलिक रेडियस के वैल्यू क्या हो, तो हम मैक्सिमम डिस्चार्ज अचीव कर सकते हैं। जब हम एफिशिएंट क्रॉस सेक्शन की बात करें तो साथ में हम इकोनॉमी की भी बात करेंगे। अ सेक्शन ऑफ चैनल इज सेड टू बी मोस्ट इकोनॉमिकल व्हेन cost of construction of channel is minimum, but cost of construction of channel depends on excavation and the lining. To keep the cost down or minimum, wetted perimeter for a given discharge should be minimum. This condition is utilized for determining the dimensions of economical sections of different forms of channel. हम एफिशिएंट क्रॉस सेक्शन किसको कहेंगे जिसका डिस्चार्ज मैक्सिमम है, और डिस्चार्ज मैक्सिमम होगा और अगर हमने उसको इकोनॉमिकल भी रखना है तो इकोनॉमिकल कब होगा, जब वेटेड पैरामीटर उसका मिनिमम होगा। वेटेड पैरामीटर जब मिनिमम होगा तो चैनल की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम हो जाएगी और चैनल एट द सेम टाइम एफिशिएंट भी होगा और इकोनॉमिकल भी होगा। मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड बेस्ट सेक्शन और मोस्ट एफिशिएंट सेक्शन। As a discharge passing through a most economical section of channel for given cross-sectional area A, slope of bed is not and resistance coefficient is maximum. ये केस कब होगा, डिस्चार्ज मैक्सिमम कब होगा, अगर आपने जैसे चेजी इक्वेशन पढ़ी है या मैंने इक्वेशन पढ़ी है, कोई सी भी इक्वेशन को आप सामने रखें। यहाँ पे मैंने चेजी इक्वेशन को मेंशन किया है, डिस्चार्ज इज इक्वल टू ए बी इक्वल्स ए इंटू वी। चेजी इक्वेशन से हमने यहाँ पे मेंशन कर ली, वी इज इक्वल टू सी अंडर रूट आर एस, वेर आर इज हाइड्रोलिक रेडियस एंड एस इज स्लोप ऑफ चैनल बेड। अगर हमारे पास डिफरेंट क्रॉस सेक्शंस हैं, उनका एरिया कांस्टेंट है, स्लोप कांस्टेंट है, तो वेरी क्या चीज़ कर रही है, वेटेड पैरीमीटर वेरी कर सकता है। तो क्यू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू वन ओवर अंडर रूट पी। डिस्चार्ज क्यू कब मैक्सिमम होगा, जब वेटेड पैरामीटर मिनिमम होगा। तो अब हमने ऐसे क्रॉस सेक्शंस को डिस्कस करना है जो मैक्सिमम डिस्चार्ज दे रहे हों विद मिनिमम वेटेड पैरामीटर। ये डिफरेंट क्रॉस सेक्शंस हो सकते हैं। जो सर्कुलर सेक्शन है उसका लीस्ट पैरामीटर होता है, सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल सेक्शन है, लेकिन उसको कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से डिफ़िकल्टी होती है। फॉर एग्जाम्पल आपने कैनाल्स बनानी है तो ट्रेपिजॉइडल सेक्शंस आप देखते हैं कि हम फॉलो करते हैं कैनाल्स की कंस्ट्रक्शंस के लिए, सर्कुलर सेक्शंस को फॉलो नहीं किया जाता। तो अगर हमने ट्रेपिजॉइडल सेक्शन बनाना है तो उसकी हमने साइड स्लोप्स किस तरीके से देनी है, क्या उसकी वैल्यूज़ हों कि वो एफिशिएंटली डील कर रहा हो, इस तरीके से आज हम जो डिस्कस करेंगे वो दो सेक्शंस हैं, रेक्टेंगुलर सेक्शन और ट्रेपिजॉइडल सेक्शंस। इन दो सेक्शंस को डिस्कस करेंगे कि इनकी विड्थ और डेप्थ का आपस में किस तरीके का रिलेशन होगा तो ये मैक्सिमम डिस्चार्ज देंगे और ये इस तरीके का और ये इस तरीके से एफिशिएंट और इकोनॉमिकल सेक्शन कहलाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल रेक्टेंगुलर सेक्शन, कंसीडर दिस रेक्टेंगुलर सेक्शन, दिस इज विड्थ बी एंड दिस इज डेप्थ डी, दिस इज एन ओपन चैनल। इसका एरिया और वेटेड पैरामीटर जो है वो आप इजीली बता सकते हैं, बी इसकी विड्थ है चैनल की, डी डेप्थ है, तो एरिया क्या हो जाएगा, सिंपल रेक्टेंगुलर है तो बी मल्टीप्लाई डी
विल बी इट्स एरिया. वेटेड पैरीमीटर क्या होगा? हम इन सारी टर्म से फेमिलियर हैं. वेटेड पैरीमीटर क्या होता है? जितनी साइड्स वेट हो रही होती हैं उसको हमने काउंट करना होता है. तो वेटेड पैरीमीटर इस केस में दिस बी प्लस डी प्लस डी. सो वेटेड पैरीमीटर विल बी 2d प्लस बी. ये देखिए ये चीज़ें जो अभी मैंने आपसे डिस्कस की हैं. एरिया ऑफ फ्लो इज बी इन टू डी. वेटेड पैरीमीटर इज 2d प्लस बी. फ्रॉम दिस इक्वेशन इस इक्वेशन की हेल्प से हम देख सकते हैं. रीअरेंज सिंपल अगर हम करें तो विड्थ को हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं. दिस इज इक्वल टू ए ओवर डी. और इसको हम अगर सब्स्टिट्यूट कर दें इस सेकेंड इक्वेशन में, पी इक्वल टू डी प्लस बी को, बी को हम रिप्लेस करें ए ओवर डी से, इक्वेशन हमारी हो जाएगी पी इक्वल्स टू डी प्लस ए ओवर डी. अब हमने फाइंड करना है कि मोस्ट इकोनॉमिकल क्रॉस सेक्शन या मोस्ट एफिशिएंट क्रॉस सेक्शन कब होगा? जब पी की वैल्यू मिनिमम होगी. सो हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू डी एंड इक्वेट कर देंगे टू जीरो. सो डी पी ओवर डी डी इज इक्वल्स टू जीरो. इसको हमने जब डिफ्रेंशिएट किया हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं 2 माइनस ए ओवर डी स्क्वायर इक्वल्स 0. इस इक्वेशन को हम अरेंज करेंगे तो 2 इक्वल्स ए ओवर डी स्क्वायर और ए की जगह वापस हम वैल्यूज एंटर कर रहे हैं बी इंटू डी. 2 इक्वल्स बी डी ओवर डी स्क्वायर. इसको हम जो वैल्यूज कैंसिल आउट होती हैं दिस ए डी इस एक डी से कैंसिल हो जाएगा. 2 इक्वल्स बी ओवर डी एंड हैंस D इक्वल्स बी बाय टू. डी क्या था हमारे पास? डेप्थ थी चैनल की और B विड्थ थी. डी इक्वल्स बी बाय टू. द कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोलिक रेडियस अगर हमने कैलकुलेट करना, वी आर फेमिलियर दैट हाइड्रोलिक रेडियस इज इक्वल टू A ओवर P. एरिया इज B इंटू डी एंड वेटेड पैरीमीटर इज B प्लस 2d. अभी अभी हमने फाइंड आउट फिगर आउट किए हैं. इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे. B की जगह पे हमने 2d एंटर कर दिया. यहाँ से हमने इसको B की जगह 2d एंटर करेंगे. 2d इंटू डी अगेन B की जगह 2d प्लस 2d. सिंप्लीफाई कर रहे हैं 2d स्क्वायर ओवर 4d एंड हैंस हाइड्रोलिक रेडियस इज इक्वल टू d बाय 2. So from these equations, it is clear that rectangular channel will be most economical when either the depth of flow is half the width or the hydraulic radius is half the depth of flow. जब इसमें से कोई भी condition meet हो जाएगी, ऐसे case में वो rectangular channel बहुत ज़्यादा economical और efficient होगा. Maximum discharge उसमें से pass कर सकेगा और बहुत कम cost आएगी ऐसे channel की construction में. नेक्स्ट हम मूव करते हैं ट्रेपीजॉइडल चैनल की तरफ. आपके सामने ये फिगर है, कंसिडर करें इसको एक ट्रेपीजॉइडल चैनल है. बॉटम विड्थ इज बी, टॉप विड्थ इज टी, डेप्थ ऑफ फ्लो इज डी, साइड स्लोप इज एन हॉरिजॉन्टल टू वन वर्टिकल. क्या मतलब होता है साइड स्लोप का? अगर वन वर्टिकल मीन्स अगर वर्टिकल वैल्यू डी है तो हॉरिजॉन्टल वैल्यू विल बी एन डी. और ये जो इंक्लाइंड पोर्शन है इसकी वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम से हम फाइंड आउट कर सकते हैं. हमारे पास ये वैल्यू भी है परपेंडिकुलर की और ये बेस की वैल्यू भी है. तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हम पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड आउट करेंगे. इट कम्स आउट टू बी डी अंडर स्कोर एन स्क्वायर प्लस वन. अब हम इसको सॉल्व करते हैं. सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे. उसी तरीके से हमने डिफ्रेंसिएशन लेनी है वेटेड पैरीमीटर की. तो सबसे पहले हमने एरिया इसका निकालना है, देन इसका वेटेड पैरीमीटर फाइंड आउट करना है, फिर हमने उसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू डी और फाइंड आउट करना है कि ट्रेपीजॉइडल चैनल किस वक्त एफिशिएंटली डील कर सकती है. लेट बी इज विड्थ ऑफ चैनल एट बॉटम, डी इज डेप्थ ऑफ फ्लो, साइड स्लोप इज 1 ओवर एन, हेंस एरिया ऑफ फ्लो इज बी प्लस 2nd इंटू डी ओवर 2. और इसको हम सिंप्लीफाई करें देन एरिया इज बी प्लस एन डी इंटू डी. किस तरीके से आया पहले भी हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया है. आप चाहें तो इस ट्रेपीजॉइडल चैनल को एक रेक्टेंगल, ये एक रेक्टेंगल बनेगी और दो ट्राइंगल्स, एक ये ट्राइंगल है
और एक इस साइड पे, इन दो ट्राइंगल्स में रिजॉल्व कर लें और इस तरीके से आप एरिया फाइंड आउट कर लें, या सिंपली ट्रेपेजॉइडल चैनल का एरिया क्या होता है, जो आपकी बॉटम विड्थ है प्लस जो टॉप विड्थ है, इनकी वैल्यूज की एवरेज लेके आप इसकी डेप्थ से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास ट्रेपेजॉइडल चैनल का एरिया आ जाता है। इसी तरह ये प्रोसीजर हमने फॉलो किया है एंड एरिया कम्स आउट टू बी बी प्लस एन डी इंटू डी। वेटेड पैरीमीटर, जो साइड्स वेट हो रही हैं, यानी कि ये साइड प्लस ये प्लस ये, सो इट इज बी प्लस डी अंडरस्कोर एन स्क्वायर प्लस वन प्लस डी अंडरस्कोर एन स्क्वायर प्लस वन। अपॉन सिंप्लीफिकेशन इट कम्स आउट टू बी बी प्लस टू डी अंडरस्कोर एन स्क्वायर प्लस वन। इस इक्वेशन से हम अगर बी विड्थ को सेपरेट करना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, ए ओवर डी माइनस एन डी, और इसको हम इस सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दें तो पी इक्वल्स ए डी माइनस एन डी प्लस टू डी इंटू अंडर स्कोर वन प्लस एन स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है वेटेड पैरीमीटर को विद रिस्पेक्ट टू डेप्थ। For most economical cross section, P should be minimum or dP over d equals 0. So dP over dd equals minus a over d square minus n plus 2 under root 1 plus n square equals 0. इस equation को हमने differentiate किया था dP over dd, इसको किया हमने जब differentiate तो हमारे पास की क्या value आ रही है, minus a over d square, इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस एन, और जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो प्लस टू अंडर रूट वन प्लस एन स्क्वायर। यहाँ पे आप देख सकते हैं इक्वेट कर रहे हैं जीरो से। अब हमने इसको रीअरेंज किया है इक्वेशन को, जो आपकी प्लस वाली वैल्यूज थी एक तरफ कर लें, नेगेटिव वैल्यूज को एक तरफ कर लें, टू अंडर रूट वन प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स ए ओवर डी स्क्वायर प्लस एन। इस इक्वेशन को अब हम यूज करेंगे टू रिप्लेस ए, वी गेट टू अंडर रूट वन प्लस एन स्क्वायर, एरिया अभी जो हमने लास्ट स्लाइड में कैलकुलेट किया बी प्लस एन डी इंटू डी ओवर डी स्क्वायर प्लस एन, सिंप्लीफाई कर लिया बी प्लस टू एन डी ओवर डी, एंड हेंस डी अंडर रूट वन प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स बी प्लस टू एन डी ओवर। अब हमने इसका हाइड्रोलिक रेडियस कैलकुलेट करना है, जैसे हमने रेक्टेंगुलर सेक्शन को भी सॉल्व किया था हाइड्रोलिक रेडियस इसके बाद हमने फाइंड आउट किया था, तो हम इस इक्वेशन को रीराइट कर सकते हैं, पी इज इक्वल्स टू बी प्लस टू एन डी इक्वल्स टू इंटू बी प्लस एन डी। इस इक्वेशन को हमने रीराइट किया है, आपके पास इक्वेशन थी बी प्लस टू डी अंडर रूट वन प्लस एन स्क्वायर, ये वाली वैल्यू 7.8 इक्वेशन में है, वहाँ से 7.8 इक्वेशन में से वैल्यू हम इस इधर एंटर कर रहे हैं, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन रही है वेटेड पैरीमीटर की टू इंटू बी प्लस एन डी। फ्रॉम इक्वेशन 7.7a एंड 7.9 दीज इक्वेशन आर यूज टू गिव कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोलिक रेडियस। हाइड्रोलिक रेडियस इक्वल्स ए ओवर पी, b प्लस एन डी इंटू डी डिवाइड बाई टू इंटू बी प्लस एन डी, इसको हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ये वैल्यूज कैंसिल आउट हो जाएंगी, हाइड्रोलिक रेडियस क्या है सिर्फ d बाई टू। तो जो अभी हमने क्वेश्चन जितनी भी डिराइव की हैं उनसे क्लियर है कि ट्रेपेजॉइडल चैनल विल बी मोस्ट इकोनॉमिकल व्हेन आइदर वन ऑफ द स्लोपिंग साइड्स इज इक्वल टू हाफ ऑफ द टॉप विड्थ। ये आप देख रहे हैं, और द हाइड्रोलिक रेडियस इज हाफ द डेप्थ ऑफ फ्लो, यानी एक ऐसा ट्रेपेजॉइडल चैनल आप बनाएंगे उसकी आपने डायमेंशन इस तरीके से सेट करनी है कि इसकी स्लोपिंग साइड्स जो हैं वो टॉप विड्थ के हाफ होनी चाहिए या हाइड्रोलिक रेडियस डेप्थ ऑफ फ्लो का हाफ हो, तब वो ट्रेपेजॉइडल चैनल मोस्ट एफिशिएंट एंड इकोनॉमिकल क्रॉस सेक्शन होगा। There is, however, a third condition that could be used to produce the most economical trapezoidal channel. A trapezoidal section channel is most economical if when a semicircle is drawn with its center O
on the water surface and radius equal to depth of flow D, the three sides of the channel are tangential to the semicircle. यानी आपने एक ऐसा ट्रेपेजॉइडल चैनल बनाना है जो एक सेमी सर्कल को इनकम्पस कर रहा हो, वो ट्रेपेजॉइडल चैनल भी एफिशिएंट एंड इकोनॉमिकल होगा. कैसे होगा? इसके लिए आप ये फिगर को कंसीडर करें. ये आपके पास ट्रेपेजॉइडल चैनल है, इसको देखें. आप एक सेमी सर्कल को कम्प्लीटली इनकम्पस कर रहा है. दिस इज वाटर सर्फेस. यहाँ पे आपने ये ओ पॉइंट ले लिया. दिस इज डेप्थ ऑफ फ्लो डी. बॉटम विड्थ हुई है बी. डिफरेंट पॉइंट्स आप ले लें. यहाँ पे पॉइंट एम है, के, यहाँ पॉइंट एन है. ये एंगल्स बन रहे हैं अल्फा. अल्फा एंगल्स है, साइड स्लोप्स की वैल्यू एंड हॉरिजॉन्टल टू वन वर्टिकल. अब हम इसको सॉल्व करेंगे. ओ एफ, आप एक ये ट्राइंगल हम पहले सॉल्व करेंगे. यहाँ पे साइन अल्फा को लेके चलेंगे, देन हम इस ट्राइंगल को सॉल्व करेंगे. ये ट्राइंगल अगर हम सॉल्व कर रहे हैं, ओ एफ ये किसके इक्वल होगा? ओ एम साइन अल्फा के. इस अल्फा का साइन लें आप, साइन अल्फा, तो ये ओ एफ ओवर ओ एम है. या ओ एफ इक्वल्स ओ एम साइन अल्फा इक्वल्स वन ओवर टू बी प्लस टू एन डी साइन अल्फा इक्वल्स बी ओवर टू प्लस एन डी इंटू साइन अल्फा. साइन अल्फा इक्वल्स ओ एफ ओवर बी बाय टू प्लस एन डी. यहाँ से सेकेंड ट्राइंगल जो मैंने कहा था के एम एन, उसको जब हम सॉल्व करेंगे तो साइन अल्फा, इस ट्राइंगल को जब हम सॉल्व करेंगे तो साइन अल्फा इक्वल होगा एम के ओवर एम एन. एम के ओवर एम एन. वैल्यूज एंटर कर रहे हैं. एम के इज इक्वल टू डी एंड एम एन इक्वल्स डी अंडर रूट वन प्लस एन स्क्वायर. कंपेयर कर लें अगर हम इन दो इक्वेशंस को, जो साइन अल्फा के लिए दो हमने इक्वेशंस डेवलप किए हैं, इसको हम कंपेयर करेंगे, देन ओ एफ विल बी इक्वल टू बी बाई टू प्लस एन डी डिवाइड बाई अंडर रूट वन प्लस एन स्क्वायर. और जो हमारी इक्वेशन 7.8 थी उसको अगर हम यूज करें न्यूमिरेटर को रिप्लेस करने के लिए, इक्वेशन 7.8 देखें हम. ये हमारे पास इक्वेशन 7.8 थी, इसको हम यूज कर रहे हैं. तो ये हमारा न्यूमिरेटर रिप्लेस हो जाएगा डी अंडर रूट वन प्लस एन स्क्वायर. और इक्वेशन है हमारी, इसको ये दो वैल्यूज कैंसिल आउट हो रही हैं, देन ओ एफ इक्वल्स टू डी. दस इफ अ सेमी सर्कल इज ड्रॉन विद ओ एस सेंटर एंड रेडियस इक्वल टू डेप्थ ऑफ फ्लो डी, द थ्री साइड्स ऑफ मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रेपेजॉइडल सेक्शन विल बी टेंजेंशियल टू द सेमी सर्कल. ट्रेपेजॉइडल चैनल को लेके ही हम आगे चलेंगे. एक और कंडीशन इसमें है, बेस्ट साइड स्लोप फॉर मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रेपेजॉइडल सेक्शन कैन बी शोन टू बी व्हेन एन इक्वल्स वन ओवर अंडर रूट थ्री. साइड स्लोप के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है. सो फॉर वी अज्यूम्ड दैट द साइड स्लोप्स आर कॉन्स्टेंट. लेट अस नाउ कंसिडर द केस व्हेन द साइड स्लोप्स कैन ऑल्सो वेरी. द मोस्ट इकोनॉमिकल साइड स्लोप्स ऑफ अ मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रेपेजॉइडल सेक्शन कैन बी ऑब्टेन्ड एज फॉलोज. ये इक्वेशन 7.8 जो अभी हमने डेवलप की थी उसको हम रीराइट कर रहे हैं. बी इक्वल्स टू डी अंडर रूट वन प्लस एन स्क्वायर माइनस एन. और इक्वेशन 7.7a को जब हम यूज कर रहे हैं, b इक्वल्स a ओवर d माइनस एन डी. इन दोनों इक्वेशंस को जब हम इक्वेट करेंगे तो a ओवर d माइनस एन डी इक्वल्स दिस वन 2d अंडर रूट 1 प्लस n स्क्वायर माइनस n, फ्रॉम विच वी फाइंड d स्क्वायर इक्वल्स a ओवर 2 अंडर रूट 1 प्लस n स्क्वायर माइनस n. इक्वेशन 7.9 को यूज कर रहे हैं, p इक्वल्स 2 इंटू बी प्लस एन डी. और इक्वेशन 7.13b को यूज कर रहे हैं तो हम रीराइट कर सकते हैं p इक्वल्स 2a ओवर d. अब हम इसको दोनों साइड पे अगर स्क्वायर ले लें, देन p स्क्वायर इक्वल्स 4a स्क्वायर ओवर d स्क्वायर इक्वल्स 4a 2 अंडर रूट 1 प्लस n स्क्वायर माइनस n. यहाँ पे आपकी जो डी स्क्वायर की वैल्यू थी इसको आपने इनकॉर्पोरेट किया है यहाँ डी स्क्वायर की जगह पे.
एक ए कैंसिल आउट हो जाएगा, एक ए रह जाएगा एंड रिमेनिंग 2√1 प्लस एन स्क्वायर माइनस एन. फॉर मोस्ट इकोनॉमिकल साइड स्लोप्स ऑफ मोस्ट एफिशिएंट क्रॉस सेक्शन वी सेटिस्फाई द कंडीशन डी पी ओवर डी एन इक्वल्स टू जीरो. अब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो डी पी सॉरी पी स्क्वायर का जब हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एन इट कम्स आउट टू बी 2p डी पी ओवर डी एन इक्वल्स इसको जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे 4a इंटू 1 प्लस एन स्क्वायर होल पावर माइनस 1/2 इंटू 2n माइनस 1 एंड अप्लाइंग द कंडीशन वी गेट 2n ओवर अंडर रूट 1 प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स 1 एंड अपॉन सिंप्लीफाइंग वी गेट 4n स्क्वायर इक्वल्स 1 प्लस एन स्क्वायर एंड हेंस n इज इक्वल्स टू 1 ओवर अंडर रूट 3 और इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री. यानी जब आपके जो ट्रेपेजॉइडल चैनल है इसकी साइड स्लोप्स 60 डिग्री की होंगी तो ऐसे केस में ये एक एफिशिएंट क्रॉस सेक्शन होगा. देयरफॉर बेस्ट साइड स्लोप इज एट 60 डिग्री टू हॉरिजॉन्टल दैट इज ऑफ ऑल ट्रेपेजॉइडल सेक्शंस अ हाफ हेक्सागन इज मोस्ट इकोनॉमिकल. हाउएवर बिकॉज ऑफ कंस्ट्रक्शन डिफिकल्टीज इट मे नॉट बी प्रैक्टिकल टू अडॉप्ट द मोस्ट इकोनॉमिकल साइड स्लोप्स. तो डिफरेंट क्रॉस सेक्शंस हमने रेक्टेंगुलर को डिस्कस किया है, हमने ट्रेपेजॉइडल को डिस्कस किया है. ट्रेपेजॉइडल में हमने फर्दर देखा है कि साइड स्लोप अगर 60 डिग्री हो, हाफ हेक्सागन बन रही हो, ऐसे केस में जो है वो जो सेमी सर्कल को एनकंपास कर रही हो तो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हैं. अगर आपने मैक्सिमम डिस्चार्ज लेना है विद मिनिमम वेटेड पैरामीटर तो इस तरह के क्रॉस सेक्शंस बना के आप डिस्चार्ज को मैक्सिमम अचीव कर सकते हैं. हाउएवर साइट पे कुछ डिफ़िकल्टीज हो सकती हैं कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपने उसको साथ में देखते हुए और ये जो आपने लेक्चर आज का देखा है इसको माइंड में रखते हुए आप कुछ ऐसा सिनेरियो अडॉप्ट कर सकते हैं जिसमें आप मैक्सिमम डिस्चार्ज अचीव कर लें और आपका सेक्शन जो है वो मोस्ट एफिशिएंट क्रॉस सेक्शन कहलाएगा. नेक्स्ट लेक्चर में हम इन्हीं पॉइंट्स को सामने रखते हुए इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे जिससे आपको फर्दर क्लियर हो सकेगा कि अगर फॉर एग्जांपल एक ही रेक्टेंगुलर चैनल है लेकिन अगर उसकी एरिया सेम हो रहा है फॉर एग्जांपल 7x3 वैल्यूज़ हैं, एक विड्थ है और एक डेप्थ है तो ऐसे केस में क्या होगा. अगर डेप्थ की वैल्यू 7 है और विड्थ 3 है या डेप्थ की वैल्यू 3 है और विड्थ 7 है दोनों केसेस में एरिया तो आपका सेम आ रहा है लेकिन वेटेड पैरामीटर डेफिनेटली चेंज हो रहा है तो कौन सा क्रॉस सेक्शन जो है वो बेहतर होगा. इस तरीके के न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे ताकि आपको एफिशिएंट क्रॉस सेक्शन का कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो सके.